हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपसे टीए के बारे में कुछ जानकारी है उसको शेयर करने वाला हूँ। सो प्लीज़ लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज मैं बात करने वाला हूँ कि क्या टीए में अब जो रिक्रूटमेंट होगा वो अग्निवीर के थ्रू होगा। और 116 इन्फेंट्री बटालियन टीए पेरा से कुछ इन्फॉर्मेशन सामने निकल के आ रही है, उसको डिस्कस करने वाला हूँ। साथ ही साथ एक कॉमन क्वेश्चंस आपके अब आना स्टार्ट हो गए, जैसे 2023 की शुरुआत हुई है, कि क्या सर अब 2023 में वैकेंसीज देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी। सो इन तीनों टॉपिक पर बात करूँगा दोस्तों। और साथ ही साथ कुछ ऐसे मीथ हैं आपके माइंड में जो कि प्रादेशिक सेना को लेकर अक्सर चलते रहते हैं, उनको भी दूर करने की कोशिश करूँगा विद प्रूफ, ठीक है। सो प्लीज़ लास्ट तक जरूर वॉच करेगा। देखिए, सबसे पहली चीज़ कि क्या टीए में जो अब रिक्रूटमेंट होगा वो अग्निवीर के थ्रू होगा, ठीक है। ये ऐसा मैं नहीं, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ प्रूफ दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस आपके माइंड में क्रिएट हो रहे हैं ये कहीं ना कहीं आपने किसी के थ्रू पता करवाई है, देन उसके बाद ही आपके माइंड में चीज़ें क्रिएट होनी स्टार्ट हुई हैं और फिर आप उस चीज़ को लेकर एकदम जो आपकी हार्ट बीट है ना वो बढ़ने लग जाती है, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, जिस चीज़ को लेकर हम तैयारी करते हैं और हमारे सामने एक विकल्प है कि यार ठीक है, हम फ्रंटियर फोर्स, इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में नहीं जा सके, तो हमारे पास एक अल्टरनेट ऑप्शंस हैं प्रादेशिक सेना टीए में। बहुत सारे लाखों यूथ को एक होप है कि यार कहीं ना कहीं कभी तो कभी वैकेंसीज आएगी और हम उसमें पार्टिसिपेट करके अपने आप को प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। सो ये एक बहुत बड़ा वो रहता है, मतलब एक होप रहता है हमें कि यार अगर हम फ्रंटियर फोर्स में ना जा सके तो क्या हुआ, मैं तैयारी कर रहा हूँ, टीए की वैकेंसीज आएगी, ठीक है। और उसी को लेकर लाखों यूथ तैयारी करते हैं, ठीक है। बट कुछ ऐसी आपकी जो सराउंडिंग जो चीज़ें वायरल होती हैं उसको लेकर फिर कहीं ना कहीं आप डिमोटिवेट हो जाते हैं, आपका जो मनोबल है वो कहीं ना कहीं डाउन होने लगता है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं आपको आज जो जानकारी रखने वाला हूँ, जो आपके माइंड में मीथ है उनको दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा, जिस तरीके से हमेशा मैं करता आया हूँ, ठीक है। साथ ही साथ कुछ प्रूफ भी दिखाऊँगा आज टीए के बारे में कि क्या टीए की पॉलिसीज है, ठीक है। सो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, ठीक है। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ देख सकते हैं अक्षय महाराष्ट्र, अगर आपको इनके नंबर चाहिए तो ये नंबर है यहाँ पर 7721883852। आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं कि ये जो जानकारी है ये क्या रियल है या फेक है, ठीक है। ये अक्षय महाराष्ट्र पिछले 2 साल से जुड़े हुए हैं मुझसे और टीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशली, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक इमेज है, 116 इन्फेंट्री बटालियन टीए पेरा, जी हाँ, इसका जो सेंटर है वो देवलाली नासिक में है। इन्होंने यहाँ से जानकारी कलेक्ट की है और जानकारी ये है कि इनका एक फ्रेंड है जिनकी 15 जनवरी को जो रिलेशंस वाले के जो रिक्रूटमेंट हुआ था उनके रिटर्न एग्ज़ाम्स हैं। सो ये इनके फ्रेंड्स जो हैं एडमिट कार्ड्स के लिए अपने यारों गए थे और साथ ही साथ ये 116 इन्फेंट्री बटालियन टीए पेरा में भी जाकर आए हैं, तो वहाँ से कुछ जानकारी इनको ऐसे सुनने में मिली है कि सर जब हमने पूछा कि क्या 2023 में अब जो रिक्रूटमेंट होगा टीए का वो कब तक होगा, तो सर बोले कि वहाँ से ऐसा बताया गया कि जो रिक्रूटमेंट होगा वो अग्निवीर के थ्रू होगा, ठीक है। सो इसको लेकर आपकी जो हार्ट बीट है वो कहीं ना कहीं बढ़ने स्टार्ट हो गई है और फिर आप हर तरह से पता करने की कोशिश में लगे हो कि सर बताइए, हमें बताइए, तैयारी कर रहे हैं, क्या ऐसा होने वाला है, अब अगर ऐसा हो गया तो सर हम तो ओवर एज हो गए हैं, फिर हमें तो कोई चांस नहीं मिलेगा, तो सारी चीज़ें आपके माइंड में आ रही है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, बताना चाहूँगा कि देखिए एक चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखिए कि जब तक आपके सामने ऑफिशियली कोई भी चीज़ नहीं आती है तब तक आप बिल्कुल भी ट्रस्ट ना करिए, मतलब अभी भी इसको आप ये समझिए कि ये कहीं ना कहीं जो न्यूज़ है ये 100% रियल ना माने इस चीज़ को। मैं आपके लिए और भी जानकारी कलेक्ट करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, जो सर से हमारे उनको भी मेरी बात हुई है उनसे, वो भी अपने लेवल पर इसके बारे में बिल्कुल एक जो उनके पहचान के जो अंदर काम करते हैं जो सर्विंग सोल्जर्स हैं, ठीक है, बहुत सारी जानकारी कहीं ना कहीं उन्हीं के माध्यम से मिलती रहती हैं। सो एक्यूरेट जानकारी निकाल के आपको इसी वीक में पूरी कोशिश करेंगे कि 100% आपको जानकारी मिले, ठीक है। बट फिलहाल में अभी ऑन पेपर ऐसी कोई चीज़ें सामने निकल के नहीं आई है, सो अपना जो मनोबल है उसको डाउन ना होने दें, अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करिए फ्रेंड्स, ठीक है। साथ ही साथ बताना चाहूँगा कि देखिए जो 116 इन्फेंट्री बटालियन टीए जो पेरा रेजिमेंट है टीए का, ठीक है, यहाँ से ये सामने चीज़ें निकल कर आई थी। सो इसको लेकर आप चाहते थे कि सर मैं इस पर वीडियोस बनाऊँ, क्या आपकी राय है, तो देखिए मैं हमेशा से
विथ प्रूफ और ऑन पेपर बात करता हूँ। जब भी कोई चीज़ अपडेट होगी या कोई भी चेंजेस होना होगा तो कोई ऐसे हवा में या किसी के कहने पर नहीं होता, ठीक है, ऑन पेपर चीज़ें होती है, ठीक है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंडिया में एक ऐसी सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है, प्रादेशिक सेना, जो कि वॉलेंटियर फोर्स के तौर पर काम करती है। ये ऑलरेडी पार्टली पार्ट टाइम सर्विस है, ठीक है। सो इसमें चेंजेस होने के कहीं से कहीं तक चांस ही नहीं है। आप अपना जो होप है उसको बिल्कुल बरकरार रखिए। बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है अभी टीए में, और आने वाले टाइम में भी इसमें बहुत अच्छा रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। ऑफिसर्स के रिक्रूटमेंट अपने लेवल पर कंसिस्टेंसी के साथ आ रहे हैं, और जो हम बात कर लेते हैं अदर रैंक की, तो कुछ ऐसे सरकम चांसेस हो गए जिसकी वजह से नहीं आ पाइए, क्योंकि आप देख सकते हैं अग्निवीर का जो रिक्रूटमेंट है वो भी अब आया है 3 साल में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं टाइम लगता है चीज़ों को, बट 2023 में आपको वैकेंसीज देखने को मिलेगी, इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान रखिए दोस्तों। तो आई थिंक आपको जो माइंड में जो मीथ है उसको दूर करिए सबसे पहले, ठीक है, और अपनी जो कंसिस्टेंसी के साथ जो प्रैक्टिस है उसको करिए। आज मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ जो विथ आपको गूगल पे भी आपको मिल जाएगा, आप सर्च करा करें, ठीक है। जिस भी फोर्स में जाना चाहते हैं उसके बारे में पढ़ लिया करें थोड़ा सा, तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है। देखिए, प्रादेशिक सेना भारतीय सेना की इकाई तथा सेवा है। इसके स्वयं सेवकों को प्रतिवर्ष कुछ दिनों का सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर देश की रक्षा के लिए उनकी सेवाएँ ली जा सकें। भारतीय संविधान सभा द्वारा सितंबर 1947 ईस्वी में पारित प्रादेशिक सेना अधिनियम 1947 के अनुसार भारत में अक्टूबर 1949 ईस्वी में जो टेरिटोरियल आर्मी मीन्स प्रादेशिक सेना है उसकी स्थापना की गई थी। तो आप समझ सकते हैं इसमें ऑन पेपर पॉलिसी यही बोलती हैं कि आप 1 ईयर में 2 मंथ की सर्विस देकर बाकी जो रिमेनिंग टाइम है 10 मंथ का उसमें आप अपना बिजनेस कर सकते हैं, या फिर आप कहीं भी किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं उसमें आप अपनी वापस से लगातार सर्विस दे सकते हैं। बस हाँ, जो गवर्नमेंट जॉब है आपकी एक्सेप्ट मिलिट्री डिफेंस फोर्सेस होना चाहिए, मतलब आपकी आर्मी नेवी एयरफोर्स नहीं होना चाहिए, जो आपकी पैरा मिलिट्री में फोर्सेस में जॉब नहीं होना चाहिए, या कहीं किसी भी स्टेट पुलिस फोर्सेस में आपकी जॉब नहीं होना चाहिए। अगर आप रेलवे में हैं, आप बैंकिंग सेक्टर में हैं, टीचर्स हैं, जो भी हैं, आप जिस भी मतलब फोर्सेस डिफेंस को छोड़ कर जिस भी फील्ड में हैं आप टीए ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी जो सेवाएं वापस अपने फील्ड में आकर कंटिन्यू दे सकते हैं। ये आज भी ऑन पेपर पॉलिसीज है और ये लगातार मैं आपको पिछले 3 साल से बताता हुआ आया हूँ, ठीक है। सो आप प्लीज़ जो आर्टिकल्स हैं इनके बारे में जो जानकारी है उनको पढ़ें, तो आपको भी जो चीज़ें हैं वो क्लियर होगी। सो फिलहाल में जो आपके माइंड में जो आपके दिमाग में जो मीथ गलत मीथ जो चल रहा है ना उसको दूर करिए, ठीक है, और अच्छे एक जोश और जुनून के साथ अपनी तैयारी को बरकरार रखिए दोस्तों। टीए की वैकेंसीज बहुत जल्द आएगी, और मैं आपको लगातार टीए के बारे में जानकारी इसलिए देता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि यार हमारे जो कंट्री में जो यूथ हैं जो डिफेंस फोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं बहुत टैलेंटेड होते हैं, ठीक है, बट आपको लैक ऑफ नॉलेज की वजह से इस वैकेंसी के बारे में पता नहीं चलता, और ये वैकेंसीज कब आती है और चली जाती है, और आप इसमें पार्टिसिपेट करने से वंचित रह जाते हैं, मतलब आपकी जो प्रोबेबिलिटी है चांसेस हैं आने के वो जीरो हो जाते हैं क्योंकि आप इस वैकेंसीज में पार्टिसिपेट ही नहीं करते। तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो फोर्स में जो यूथ हैं जो जिनका रनिंग अच्छा है, जिनका रिटर्न एग्जाम्स अच्छा है, ठीक है, तो इस रिक्रूटमेंट में भाग लेने जरूर जाया करें, ठीक है। मोस्टली बच्चे 2019 के बाद इस वैकेंसी का वेट कर रहे हैं क्योंकि जानकारी अब बहुत ज़्यादा बच्चों को टीए के बारे में मिल चुकी हैं। सो वैकेंसीज आने पर इस बार बहुत अच्छे चांसेस हैं बच्चों के सिलेक्ट होने के, क्योंकि लगातार बच्चे तैयारी में जुटे हुए हैं और सिलेक्शन वही लेंगे जो लगातार कंसिस्टेंसी के साथ तैयारी करें दोस्तों। 1-2 महीने में टीए में कोई भी जॉब नहीं ले सकता है, बहुत ही टफेस्ट प्रोसेस होती है टी की। सो फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही था कि आप अपना जो उम्मीद है होप है वो लॉस मत करिए। कोई ऐसा चेंजेस अभी नहीं हुआ है कि जो टीए में रिक्रूटमेंट होगा वो अग्निवीर के थ्रू होगा। सो फिलहाल आपको मेरी बात है वो समझ में आ रही होगी, और भी कोई डाउट्स हो कमेंट्स में कमेंट जरूर करिएगा। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय हिंद।